फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है रिनेक्टर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक एंड वेब डिजाइनिंग में। आज के इस क्लास नंबर 2 में हम लोग कुछ और टूल्स के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने जितनी चीज़ों को बताया था, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं आगे के कुछ और टूल्स, उसका क्या क्या यूज है, कैसे उसे यूज करना चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल और यहां से रेक्टेंगल टूल के बारे में कुछ बताया था। आई थिंक उसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इन सभी टूल्स के बारे में। यहां पर है लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। इन सभी टूल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अगर आप इसमें इलस्ट्रेशन करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो इन सभी टूल्स के मल्टीपल यूजेस होंगे। एक एक टूल को बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा, इनको कैसे आप यूज करेंगे अपने डिजाइन में इसको भी समझना होगा। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट टूल के बारे में जानते हैं, इसका क्या यूज है, कैसे यूज करना चाहिए। तो यहां से हम लोग इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मालूम है कि लाइन टूल है तो ऑब्वियसली एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन से आप बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से क्लिक करके एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, और इस लाइन को मुझे मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट करना है, तो एक तो ये है कि आप सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे और उसके बाद इसकी कॉपी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे नीचे और फिर वही शॉर्टकट जो हमने बताया था, कंट्रोल डी प्रेस करते चले जाएंगे तो इसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएगी। ये देखिए, अब इसके साथ ही साथ अपने लाइन टूल का और क्या यूज करेंगे ये भी समझते हैं। जैसे हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ किया, ओके, और उसके बाद इसके थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब इसके थिकनेस को बढ़ाने के बाद आप देखिए कि ऊपर में फ्लैट है और नीचे में भी फ्लैट है। आप चाहते हैं कि ऊपर और नीचे जो इसके कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाए, उसके लिए आपको यहां स्ट्रोक पर क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर सबसे पहले क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। इसको जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी एक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अब आप यहां स्ट्रोक पर क्लिक करके, यहां पर कुछ ऑप्शंस है, ये देखिए यहां पर कैप का ऑप्शन है, राउंडेड कैप का। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये पॉइंट राउंडेड बन जाएगा। इसको और मैं थिकनेस बढ़ा करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अभी ये राउंडेड बन गया है। तो यहां से हमने ये देख लिया कि आप किसी भी लाइन को राउंडेड कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और यहां पर पिछले क्लास में हमने बताया था कि आप अपने किसी भी लाइन को, ये स्ट्रोक को यहां से कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, जैसा भी चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, इस तरह का लुक दे सकते हैं ऐसा। अभी आप देखें इसका पॉइंट राउंडेड हो रहा है। राउंडेड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहां स्ट्रोक में इसको कैप चेंज करके रखा हुआ है। अगर मैं यहां पर क्लिक कर दूं तो ये राउंडेड कभी नहीं हो सकता है। इस तरह से अगर आपको राउंडेड बनाना होगा तो आप वही यूज करेंगे। अब लाइन टूल की और क्या जरूरत पड़ती है ये भी समझिए। यहां से हमने लाइन टूल लिया और इस बार इसके पॉइंट को मैं कम कर देता हूं। यहां से हम लोग यूज करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट, ओके, और क्लिक करके मैं यहां से ड्रैग करता हूं ऐसे। अब उसके बाद यहां सिलेक्शन टूल पर आने के बाद इसको ऑल्ट प्रेस करके हमने इसकी कॉपी बनाई और यहां ले जाकर रख दिया। अब देखिए इन दोनों को अगर मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं इसके बीच में 20 लाइंस क्रिएट हो जाएं, 50 लाइंस क्रिएट हो जाएं, या जितने भी लाइंस आप चाहते हैं क्रिएट करना आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। ये इस तरह से दोनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद आप आएंगे यहां ऑब्जेक्ट में। यहां ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप यहां देखेंगे एक ऑप्शन होगा ब्लेंड का, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसके अंदर देखेंगे यहां पर ब्लेंड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां क्लिक करने के बाद पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। यहां स्पेसिंग है, अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड स्टेप्स और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अगर आप चाहते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स बनाना तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद मैं चाहता हूं 20 लाइंस, तो इस तरह से हमने 20 कर दिया और उसके बाद यहां से ओके कर लेते हैं। अब दोबारा यहां ऑब्जेक्ट में जाएंगे
और उसके बाद यहां से ब्लेंड के अंदर जाने के बाद मेक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने लाइन को ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल स्टेप्स बना सकते हैं। तो ये सिर्फ लाइन टूल की बात हुई, आप लाइन टूल से ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देखें तो आर्क टूल है। आर्क टूल से आप क्या क्या कर सकते हैं वो समझिए। जैसे ही हमने आर्क टूल सिलेक्ट किया, आर्क टूल सिलेक्ट करने के बाद अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से लाइन बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं फिर अच्छे से समझ में आएगा, इस तरह से। लेकिन अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूं ऐसे, यानी आप अपने खाली स्पेस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैं कैसा आर्क बनाना चाहता हूं। यहां पर साइज आप बता सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं 200 बाई 200 का एक साइज बनाना, तो यहां से 200 बाई 200 फिल करूंगा और उसके बाद यहां पर है टाइप, ओपन रखना चाहते हैं, क्लोज रखना चाहते हैं, मैं ओपन रखना चाहता हूं। एक्स या वाई एक्सिस दोनों में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, आप बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर स्लोपिंग कितना चाहिए, अभी 50% रखकर दिखाता हूं। अगर आप इसके स्लोपिंग को बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा राउंडेड हो जाएगा। फिलहाल मैं यहां से ओके करूंगा। यहां पर फिल आर्क का भी ऑप्शन है, अगर आप यहां फिल आर्क करेंगे तो इसमें कलर फिल होकर आएगा। फिलहाल मैं ओके करता हूं। ये देखिए परफेक्ट आर्क यहां से बन गया है और ये सभी आपस में स्लोपिंग इक्वल है। अगर आप इसकी स्लोपिंग बढ़ा देते तो फिर ऐसा ये नहीं बनता। अब देखिए एक हमने बना लिया है, इसकी कॉपी करके पेस्ट करूंगा और इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके एक फूल की पत्ती बना सकता हूं। जैसे इसकी कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट। फोटोशॉप के जैसा नहीं करना है यहां पर कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे, यहां पर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे तो पेस्ट इन फ्रंट होगा, क्योंकि यहां पर लेयर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। और अगर आप नॉर्मली कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर वो कहीं भी पेस्ट हो जाएगा, फ्रंट में पेस्ट नहीं होगा, इसके वजह से फिर अरेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये पेस्ट हो जाने के बाद मैं सिर्फ यहां कॉर्नर में जाकर घुमा दूंगा। अब देखिए ये आसानी से हमारा दो आर्क तैयार हो गया। अब हमारा सिर्फ काम यह है कि इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करना। दोनों पॉइंट्स को ऐड करने के लिए यहां पर जूम करता हूं। जूम करने का शॉर्टकट तरीका यह है कि आप सिलेक्शन टूल पर रहें और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर या नीचे करेंगे तो जूम आउट जूम इन हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आने के बाद इन दोनों एंकर पॉइंट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके आप यहां से एवरेज कीजिए, ओके कीजिए और फिर राइट क्लिक करके आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन हो गया है। अब हम लोग इस नीचे वाले को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर ही रहेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से एवरेज। यहां ध्यान रखें कि ये सिलेक्टेड होना चाहिए बोथ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों होना चाहिए यहां पर, और यहां से ओके कर लीजिए। अब फिर राइट क्लिक करेंगे और यहां से ज्वाइन कर देंगे। अब इधर भी ज्वाइन हो चुका है। कंट्रोल 1 से 100% पर आप आ सकते हैं तो मैं यहां कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, ये देखिए। अब उसके बाद इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इस तरह से। ये इसमें कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें और यहां से कलर फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये कलर फिल करता हूं और इसका स्ट्रोक का कलर मैं कुछ अलग रखता हूं, ये डार्क कर देते हैं हम लोग। अब इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करने के लिए एक टूल है, वो आपको बताता हूं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहां देखेंगे रोटेट टूल होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ बीच में एक पॉइंट आ जाएगा, इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। इस पिवट पॉइंट को जहां पर लाकर सेट कर देंगे वहीं से ये रोटेट हो जाएगा। लेकिन इस पिवट पॉइंट को कहीं पर भी आप लाना चाहते हैं उसको लाने के लिए ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे। तो मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट को लाकर कहीं भी रख सकता हूं, जैसे हमने यहां
लाकर इस तरह से रखा। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, कहीं पर लाकर छोड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि आप कैसे रोटेट करना चाहते हैं, किस एंगल पर। मैं चाहता हूँ किसी भी एक एंगल पे इसको रोटेट कर दें। जैसे मैं चाहता हूँ इसको 20 डिग्री पे रोटेट करना, मैंने 20 फिल कर दिया। अब उसके बाद आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा रोटेट हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये रोटेट कैसा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। और इसकी एक कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ये दो कॉपी बन जाएगी, आप देख सकते हैं। अब इसको इसी एंगल पर मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। कंट्रोल डी से ये मल्टीपल कॉपी बनकर तैयार हो जाएगी, ये देखिए। अब अगर आप चाहते हैं इन सभी को ग्रुप करना तो इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। अब ग्रुप करने से कहीं पर भी क्लिक करके इन सभी को एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ग्रुप करने से फायदा एक और हुआ कि एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा और इन सभी का कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ तो आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं। इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसका भी कलर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये तो बात हुई सिर्फ आर्क टूल की। अब आर्क टूल के बाद और भी टूल्स हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसे मैं डिलीट करता हूँ। आर्क टूल के बाद यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है स्पाइरल टूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ राउंडेड होते हुए निकलेगा। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये अभी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ भी आ सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये है कि इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे ऐसे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आप अपने स्पाइरल को कितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ पर रेडियस है। रेडियस का मतलब आप लोगों को मालूम है, सेंटर पॉइंट से बाहर तक का जो एरिया होता है उसको कहते हैं रेडियस। तो रेडियस आप यहां से कुछ भी डिफाइन कर लीजिए, जैसे मैं करता हूं 200 पिक्सल। अब उसके बाद यहां पर है डिके। आप डिके कितना रखना चाहते हैं, डिके का मतलब गहराई है कि आप अंदर कितना गहराई से इसे घुमाना चाहते हैं। फिलहाल मैं 80% रखा हूं। अगर आप इसको 100% करेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और जैसे ही कम करते जाएंगे इसकी जो अंदर की गहराई होगी वो कम होती चली जाएगी। और सेगमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये जो राउंडेड घूम रहा है इसको आप कितने अंदर तक घुमाना चाहते हैं, यानी कितने सेगमेंट्स बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 10 है, अगर मैं इसको 20 कर दूं तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर स्टाइल है कि अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये अंदर से बाहर और ये बाहर से अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए, ये एक मेरा स्पाइरल तैयार हो गया है। इसी स्पाइरल को आप चाहते हैं मल्टीपल स्पाइरल में कन्वर्ट करना तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे इसको मैं छोटा करता हूँ, छोटा करने के बाद इसको हमें मल्टीपल स्पाइरल में कन्वर्ट करना है तो राउंडेड टूल पर जाएंगे, यानी रोटेट टूल पर, और इस पिवट पॉइंट को कहीं पर भी ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे इस तरह से और छोड़ देंगे। और जितने डिग्री पर घुमाना चाहते हैं उतने डिग्री पर घुमा सकते हैं। इस बार मैं 30 डिग्री करता हूँ और प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इस तरह से और कॉपी बना लीजिए। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये मल्टीपल कॉपीज की तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ये डिजाइनिंग है, इस तरह से आप बहुत सारी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं इन सभी के बीच बीच में अलग अलग कुछ कलर फिल करना तो भी कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि एक के बाद दूसरा नहीं तीसरा करना है तो वही शिफ्ट प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों सेलेक्ट हो गया। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक एक करके सभी सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अभी सभी एक एक छोड़कर सेलेक्ट हो गया है। इन सभी को अलग कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और बाहर क्लिक करते हैं, ये देखिए। तो
तो ये मल्टीपल कलर्स के स्पाइरल तैयार हो गए हैं। अब इन सभी को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए और इसे छोटा करके इस तरह से अब इसका स्पाइरल बनाना चाहते हैं तो इसका भी बना सकते हैं। यहाँ रखिए इस तरह से और इसको सिलेक्ट करके आप फिर से रोटेट टूल पर जाइए, इस पिवट पॉइंट को ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, कहीं पर भी छोड़ देंगे इस तरह से, और इस बार 30 डिग्री नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ 40 डिग्री पे इसको रोटेट करना, और यहाँ से कॉपी करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, फिर देखिए क्या होता है, ये एक परफेक्ट स्पाइरल इस तरह से तैयार हो गया है। तो बहुत सारी डिज़ाइनिंग आप देखते हैं जो इस तरह से बनाई जाती है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में इन सभी का और भी यूज़ है, जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ कैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब फिलहाल इन सभी को डिलीट करते हैं। अब ये स्पाइरल टूल होने के बाद हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल कैसे यूज़ करना चाहिए, इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट रहेगा वही लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके लाइन में चेंजेस करना तो भी कर सकते हैं, उसके लिए आप इसे डिलीट कीजिए। क्लिक करके जब आप ड्रैग करते हैं ऐसे तो आप अपने कीबोर्ड के अप डाउन लेफ्ट राइट जो की है उसको यूज़ करके इसमें लाइंस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। जैसे अगर मैं अप की को प्रेस करता हूँ तो देखिए इसमें लाइन बढ़ रही है, डाउन की को प्रेस करूँगा तो इसकी लाइन सभी ख़त्म हो जाएगी। तो ये रोज को ख़त्म करने के लिए है और एक कॉलम को बढ़ाने और घटाने के लिए है। अगर आप राइट को प्रेस करेंगे तो इसके कॉलम बढ़ेंगे और लेफ्ट को प्रेस करेंगे तो इसके कॉलम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने लाइन को बढ़ा घटा सकते हैं आसानी से। अगर आपको एक या दो ही रखना है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं ऐसे। जैसे मुझे इंडियन फ्लैग अगर बनाना होगा तो मैं तीन रखूँगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे फ्लैग्स हैं जिसकी लाइन चेंज होती है, उसकी पट्टियाँ चेंज होती हैं, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे इसको मुझे परफेक्ट लाइन में कन्वर्ट करना है तो अब मैं सिर्फ क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर साइज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसको हमने रखा 900, इसको हमने रखा 600 और यहाँ पर हमें दो चाहिए और उसके बाद ओके कर लेते हैं। अब आप देखेंगे बीच में दो लाइन बनी है इस तरह से, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिर आप अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए बीच में दो लाइन बनी है, इसमें हम लोग सिर्फ कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ से पेंट बकेट टूल होगा, वो भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेंट बकेट टूल अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप कलर लीजिए, ऊपर में हम लोगों को रखना है ये कलर, तो यहाँ से क्लिक करेंगे ये फिल हो जाएगा इसमें, और इसमें कलर वाइट ही रखते हैं। नीचे में ग्रीन करना है तो आप यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए इस तरह से। अब ये आउटलाइन जो है उसको ख़त्म करना है तो आउटलाइन को यहाँ से ख़त्म कर दीजिए ऐसे। अब ये इंडियन फ्लैग तैयार हो गया है। तो इन सभी टूल्स को यूज़ करके बहुत ही आसानी से किसी भी डिज़ाइन को बनाया जा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना R&D करते हैं, यानी कितनी चीज़ों को देख करके रीडिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। जब तक आप रीडिज़ाइन नहीं करेंगे आपके माइंड का ग्रोथ नहीं होगा, यानी डिजिटली ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करना होगा। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसमें सारी चीज़ें हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए हमें एक अशोक चक्र यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, उसको कैसे बनाते हैं, आप उसके लिए इसी टूल में, ये देखिए नीचे में पोलर ग्रिड टूल है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ स्ट्रोक में कोई भी कलर रख सकते हैं, फिलहाल मैं ये ब्लू कलर रखता हूँ और स्ट्रोक का पॉइंट मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ। उसके बाद आप ये क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे, बड़ा छोटा तो बाद में कर सकते हैं हम लोग, अभी फिलहाल मैं इस तरह से बड़ा रखता हूँ। और उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और शिफ्ट के साथ ही जो लगा हुआ है अप डाउन लेफ्ट राइट की उसको प्रेस करना है, तो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये राउंडेड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर की लाइन बढ़ेगी, डाउन प्रेस करेंगे तो अंदर की लाइन कम होगी। तो अंदर की ये जो सर्कल वाली लाइन है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ पूरा 0, और ये अंदर के जो लाइन्स बीच से डिवाइड हो रहा है इसको भी मैं कम कर देता हूँ। अभी देखिए 2 लाइन है, अब मैं बढ़ाऊँगा 2 से, ये कितना हुआ 3, 4, 22, 23 एंड 24।
इंडियन फ्लैग में ये 24 है, इसको अब मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ था, इसको मैं छोड़ रहा हूँ और माउस से भी छोड़ूंगा, पहले माउस से उसके बाद शिफ्ट। ये देखिए अब ये आसानी से मेरा अशोक चक्र तैयार हो गया है। इसके स्ट्रोक को बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, और इसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक ही साथ सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अब ये देखिए सेंटर में आ गया है, तो इंडियन फ्लैग ये कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सभी को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप में इसे कन्वर्ट कर दीजिए। अब ये एक ग्रुप में होने के बाद आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे सभी सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आप शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ऐसे, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ। अब अगर आपको लग रहा है कि ये जो मेरा आर्टबोर्ड है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, तो आर्टबोर्ड सेटअप करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है इसमें, वो टूल है ये, इसको कहते हैं आर्टबोर्ड टूल। इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने आर्टबोर्ड को यहाँ से ड्रैग करके लाइए और इसमें लाकर ऐसे मिला दीजिए इस तरह से, और नीचे से भी आप ड्रैग करके लाइए और ऊपर इस तरह से मिला दीजिए। अब आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो इक्वल हो गया है। इसे सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से सेव एज करेंगे, और डेस्कटॉप पर मैं सेव कर रहा हूँ इंडियन फ्लैग, और ये जो फाइल हम लोग सेव करेंगे वो AI फाइल होना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ओके कर दीजिए। अभी ये AI फाइल सेव हुआ है, जैसे फोटोशॉप में PSD फाइल सेव करते हैं वैसे यहाँ पर AI फाइल हुआ। अब हमें एक PNG या JPEG फाइल कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना हो फाइल में और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। इस बार आप दोबारा सेव एज पर नहीं जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको JPEG और PNG सब कुछ मिल जाएगा। JPEG चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, CMYK चाहिए। अगर आपको किसी वेबसाइट पर इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया पर तो RGB रखिएगा, प्रिंट करवाना है तो CMYK रखिएगा, और क्वालिटी यहाँ 10 रखेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। अब मैं डेस्कटॉप पर चलकर दिखाता हूँ कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो कैसा बना है। तो ये देखिए ये इंडियन फ्लैग तैयार है, इसको ओपन करके देख सकते हैं इस तरह से। तो टूल्स का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पांचों टूल्स इसमें कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास टूल्स की वैरायटी बढ़ती चली जाएगी, हर क्लास के बाद टूल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टूल्स बढ़ेंगे आपकी डिज़ाइनिंग भी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ये पांचों टूल्स के साथ साथ आपको कुछ और भी सीखने को मिला, वो ये था कि यहाँ से आर्टबोर्ड कैसे सेट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से पेंट बकेट टूल, जो लाइव पेंट बकेट टूल है, वो भी कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कलर फिल किया हमने। हालांकि इन सभी पर एक डिटेल ट्यूटोरियल मिलेगा तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें और बता दूँ कि जब भी आप कोई आर्टबोर्ड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अगर आप साइज को डिफाइन करना चाहते हैं दोबारा, उसके लिए यहाँ पर है डॉक्यूमेंट सेटअप, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सारी सेटिंग्स है, यहाँ से सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपका जो आर्टबोर्ड है उसी के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आर्टबोर्ड चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी। आर्टबोर्ड के अंदर कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ये वाला जो पॉइंट है तो ये सेंटर को डिफाइन करता है, इस पर क्लिक करते के साथ आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इसे मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये देखिए डॉक्यूमेंट सेटअप पर गए, यहाँ एडिट आर्टबोर्ड पर जाएंगे, और उसके बाद अगर आपने इसको सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ सेंटर में एक प्लस का आइकन आ जाएगा, इससे आपको पता चलेगा कि मेरा सेंटर पॉइंट कौन सा है। तो इसको चेक करके भी आप काम कर सकते हैं, और यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो ये क्रॉस हेयर्स मिल जाएगा इस तरह से, देखिए। और अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो ये सेफेस्ट एरिया बताता है किसी भी वीडियो के लिए, कि आपका जो वीडियो होगा इसके अंदर सेफेस्ट होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आने वाले क्लासेस में सब कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं आज के क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फ्रेंड।